देखिए मैं चटनी बनाऊंगी पापड़ी के लिए। तो ये है ताजा पुदीना, बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये है कच्ची इमली, वो सॉरी इमली नहीं, मतलब कच्ची केरी। तो मैं ये भी डालूंगी कट करके, इसके जो रेसे है ना ये हटा दूंगी और फिर मैं इसको डालूंगी। और दो डालूंगी मैं हरी मिर्च और थोड़ा सी फ्रेश धनिया। और ये है अदरक और लहसुन, थोड़े से मैं ये भी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसकी आधी डालूंगी और आधा ही लहसुन डालूंगी और फिर चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पापड़ी ली है और पापड़ी के ऊपर डालूंगी मैं दही। तो यहाँ पे दही डल रही है देखिए इस तरीके से। और अब डालूंगी मैं ये चटनी जो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे बनाई हुई है मीठी चटनी जो मैं बताई थी आपको, सौंठ वाली, और वो डाल देंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और सौंठ वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं वो डाल दूंगी और थोड़ा सी मैं दही और डाल दूंगी, थोड़ी सी डालूंगी मैं लाल मिर्च, ये देखिए। और यहाँ पे डालूंगी मैं काला नमक। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये। चाहे तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही, वैसे ही बनाई हूँ बिना प्याज के। और खाने में इतनी टेस्टी लगती है, घर की सारी चटनियाँ बनी हुई है, मीठी चटनी और पुदीने वाली चटनी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए सब चाट, ये आपके लिए। मम्मी मेरी चाट बना रही है, दही पापड़ी। बाय 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 बाय। यहाँ पे ले आई हम। देखिए बच्चों को ना बहुत तीखी पसंद है, दूसरी मम्मी बच्चों को ना बहुत ज्यादा तीखी पसंद है, तो इसमें लाल मिर्च बहुत सारे डाल के लाई हूँ, देख रहा कम है तो नहीं, बहुत सारी है।